अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अब आप न्यूज़ से कदावा यहाँ संजा सैयद हल्ला से हेडलाइन कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट तरफा वो रिलीफ मिली वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ए मैंबर की मुकररी कलदम करार दियण खिलाफ अपीलू बुधनी लाए मंजूर। केस की वधीक बुधनी दिसंबर के पहरे हफ्ते में थी। सिंध हुकूमत हाईकोर्ट जो फैसलो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो हो। सुप्रीम कोर्ट अपीलों से फैसलो अचण ताई चेयरमैन ए मैंबर के कम जारी रखण की इजाजत दई छी। अदालती फैसले के नतीजे में फारिग थियल ऑफिसर ए मुलाजमन के भी हुक्म जारी रखण की इजाजत। नेपरा जीरो बीहर बिजली के अघर में वाद कर छी। फी यूनिट से ब रुपया 52 पैसा इजाफो। नोटिफिकेशन जारी। इजाफो नवंबर 2021 के बिलन में वरतो वो के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन वायपेदार इजाफे का आजा हूँ। वजीर आजम इमरान खान की सदारत हेठ वफाकी काबीना जो इजलास जारी। इजलास में 13 नुकाती एजेंडा से गौर विचार कर वे। काबीना पीटीडीसी की प्रॉपर्टीज के लागापिल सूबन के हवाले कर गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में पीटीडीसी की जमीन खानगी शोबे के लीज से दियण की मंजूरी दी। अफगानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड मुआदे में वाद की मंजूरी भी दिनी वी। नाज़िम जोखियो कतल के सिंध बार काउंसिल आईजी सिंध एसएसपी मलीर जांच ऑफिसर के खत लिखी छो। खत चेयरमैन लीगल एंड ह्यूमन राइट्स कमेटी एडवोकेट हुसैन बख्सारियो लिखो। खत में मुतालबो किया है तो नाज़िम जोखियो के कतल की शफाफ अणघुरी जांच के यकीनी बनाए वे। जांच एसएसपी रैंक के ऑफिसर का कराई वे।